गुलाची का नागरिकों की समस्याओं के निदान के लिए वरदान साबित हो रहा समाधान शिविर। समाधान शिविर में आई 19 शिकायतों का मौके पर 18 शिकायतों का समाधान किया गया। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आमजन की शिकायतों के तुरंत व प्रभावी समाधान के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय छीका में निरंतर खंड स्तरीय समाधान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए समाधान प्रकोष्ठ शिविर नागरिकों की समस्या के निदान के लिए वरदान साबित हो रहे और आयोजित समाधान शिविर में कुल 19 शिकायतें आई, जिसमें 18 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। बाकी बची शिकायत के निपटाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया। प्राइम मेगा न्यूज चैनल के लिए गुरुदीप चावल गुलाची। समाधान शिविर के अंतर्गत आज 19 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 18 का निपटान हो चुका है और जो एक शिकायत है वो अंडर प्रोसेस है। जो भी ग्रीवेंस आती है जनता की, उनका समय पर निपटान किया जाता है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो लाभ जनता तक पहुँचे, इसका प्रश्न प्रयास करता है। ज़्यादातर समस्याएं कैसी यहाँ आ रही हैं लोगों की? ज़्यादातर समस्याएं फैमिली आईडी को सेपरेट करवाने की आ रही है, या कोई मेंबर को फैमिली आईडी से डिलीट करवाने की आ रही है। शिकायतें नहीं, मैं कहूँगा कि ये लोगों के कार्य हैं, रूटीन के कार्य हैं, जो वो पहले जिनकी एक फैमिली आईडी थी, अब परिवार अलग होने से वो उसको अब अलग करवाना चाह रहे हैं, तो वो कार्य समूथली यहाँ पर चला हुआ है और सभी लोगों की समस्याओं का उचित रूप से समाधान किया गया। गुलाची का क्षेत्र हरियाणा पंजाब सीमा क्षेत्र के करीब तक पहुँचा हुआ है, आप जानते हैं कि वहाँ तक लोगों को पता नहीं लग पता भी यहाँ पर समाधान शिविर लगा हुआ है, तो ऐसे में लोगों को किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए फैमिली आईडी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके लिए गांव लेवल पर भी कुछ कर्मचारी हैं, वो कार्य कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर किसी की कोई भी ग्रीवेंस है वो यहाँ समाधान शिविर में आए और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। कब तक यह समाधान शिविर चलते रहेंगे? इस समाधान शिविर जब तक भी सरकार के निर्देश है तब तक चलते रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी पात्र व्यक्ति है उस तक जो भी स्कीम है उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। क्या अधिकारी भी यहां पर पहुंचते हैं, जिन जिन की समस्याएं किस विभाग से जुड़ी होती हैं? ज़्यादा समस्याएं जो है वो फैमिली आईडी से रिलेटेड या फिर पेंशन से रिलेटेड, यही हैं ज़्यादा समस्याएं।